यहाँ पे जो है ना वो सारे आयरन प्रेस करने वाले पड़े हुए ठीक है। यहाँ पे वो रमजान क्या कर रहे हो आप? सर्दियाँ नहीं आई हैं अभी, जो जैकेट्स और आप ट्राउजर्स निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जो है ना अपने व्लॉग का आगाज़ जो है ना वो चाय के साथ और साथ ही साथ जो है ना वो यहाँ पर गोश्त और आलू बना रही थी, इसको जो है ना वो हिला रही थी। सिर्फ मामा ने सारा फूल डाल के रख दिया, पानी जो है ना वो हमारा ड्राई हो गया था, तो फिर बस मैं हिला रही थी इसको खड़ी हुई भी, और मेरे पास वेली थी, मेरे पास कोई काम ही नहीं था करने के लिए। और साथ ही साथ जो है ना वो मैंने चाय भी रख दी थी, इसको भी मैं बना रही थी और इसको भी। अब तो मैं चमचा हिलाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई हूँ। मम्मा कहती हैं तुम चम्मच हिलाती हो पूरी हांडी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। सो या मैं जब चम्मच हिलाती हूँ तो अगर सब्ज़ी होगी तो वो सब्ज़ी टूट जाएगी, गोश्त होगा तो वो गोश्त जो है ना वो टूट जाता है। एवरी थिंग ब्रोकन ठीक है। साथ ही साथ जो है ना वो यहाँ पे चाय भी बन गई है। जिस जिसको चाय पीने आए हैं तो वो आ जाए। आज हमारे 3 कप के बजाय जो हैं 4 कप हैं, तो अब गैस करें कि 4 कप किसके होंगे। सो जल्दी जल्दी से अगर गैस कर लिया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ठीक है। अच्छा जी, अब इन सारे काम के अलावा हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट काम के ऊपर। साथ ही साथ मेरी हांडी बन गई और बस मैं चाय पी लूँगी। अब जिस चीज़ को चाय पीनी है वो बता दें ठीक है। अब मैंने जो है ना चैलेंज स्टार्ट किया था डेली व्लॉगिंग का, लेकिन मेरी जो है ना वो तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही है, इतनी ख़राब होती जा रही है कि जब भी मैं एक्टिव होने की कोशिश करती हूँ कि मैं अब यूट्यूब के जो है ना वीडियो मैंने वो करनी है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं किसकी नज़र लगी है मुझे, मेरे सर में इतना दर्द होता है। और जब आप मेंटली खुद ठीक नहीं होते ना तो आई थिंक यू कॉन्ट डू टू एनी थिंग मोर एल्स। सो या इस वजह से जो है ना मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। और दुआ करिएगा आप लोग कि मेरी जो है ना वो तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाए, ताकि जो है ना मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि आप अगर खुद फ्रेश नहीं है तो दूसरों को क्या फ्रेशमेंट दे सकते हैं? क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठ के दूसरों को अच्छे जो है ना बात ही बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी रूटीन क्या है। तो आई थिंक सो अगर आप खुद फ्रेश नहीं है तो दूसरों को भी फ्रेश नहीं रख सकते। सो इस वजह से दुआ कीजिएगा कि मैं जो है ना मुझे बुरी नज़र लगे। सो एनी वेज जी, मेरी तबीयत तो यहीं की यही रहेगी ठीक है, इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं तो आप कमेंट में बता दें, मुझे भी पता चल जाए कि आप इमोशनल हुए हैं या नहीं ठीक है। अच्छा जी चलते हैं, अब मैं रोटियां बना रही हूँ। और आज जो है ना इस दिन मैंने पूरी फुल डे रिकॉर्डिंग की थी, और मेरे पास काफ़ी दिनों की रिकॉर्डिंग हुई भी पड़ी हुई थी, क्योंकि जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो वो एक साथ ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना जब मैं चाय पी रही थी तो मैंने आप लोग को पिछली बार शॉपिंग दिखाई थी, उस शॉपिंग के बाद ही मैं आई थी, साथ में मैंने ब्लॉग भी, इस वजह से मैं कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद जो है ना मैं इतनी बीमार हो गई हूँ कि अब तो मैं उठने ही भी नहीं पाता ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना अब मेरा कॉलेज भी ओपन हो गया, तो मैं उसकी भी रूटीन बताऊंगी। और अजान को देखे कैमरा देख के ये क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या करते हैं। बच्चों को कोई शौक होता है, मुझे भी बहुत शौक है। और रूहान जो है ना वो यहाँ पे पापा आ गए थे, तो पापा को जो है ना इसको बहुत शौक होता है कि मैं पानी दूंगा तुम सारे बैठ जाओ। और साथ ही साथ जो है ना वो मम्मा यहाँ पर बना रही थी फ्राइज़, रात का टाइम हो गया था, फ्राइज़ हमारे बन रहे थे ठीक है। और जिस चीज़ को फ्राइज़ खाने हैं ना तो वो आज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी से, रूहान ने खुद ही फरमाइश की थी कि मामा फ्राइज़ बना के दें, इसने केचप निकाली कि मुझे फ्राइज़ के साथ खानी है। और अज़र रूहान को तो इतनी जल्दी पड़ी थी, मामा ने आलू के जो है ना वो छिलका भी उतार के ही रखा था कि रूहान ने जो है ना उसके ऊपर केचप डाल दी सारी। और फिर इनको वॉश किया, फिर वॉश करने के बाद पोटैटो को जो है ना हमने फिर कट किया, दैन जो है ना वो हम जब सुबह सो गए, रात को मतलब खा पी के सो गए, फिर सुबह उठे तो यहाँ पर जो है ना वो हमारे लिए हलवा पूड़ी आई थी। साथ में जो है ना वो हलवा पूरी तो हैर खा चुके थे अजान, मामा पापा ने सुबह सुबह खा लिया था, और फिर बची भी नहीं थी तो इस टाइम जो है ना, और हम उठे भी 12 बजे तक थे, तो पापा ने कहा अब तो होगी भी नहीं फ्रेश सी, तो ऐसा करो कि जो है ना घर पे पराठे बना लो। फिर मैंने पराठे बनाए इन सब के लिए, तीनों में रेहाना और अयान, हम तीनों थे नाश्ता करने के लिए, बाकी सब ने कर लिया था, तो हम लोगों ने जो है ना पराठे बनाए। और अयान जो है ना मुझे यहाँ पे कह रहा था आप इस सही से बनाना मेरे स्क्वायर में, और ये कैसे आपने बना दिया बीच में से फट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फट फट गया खाना है या ना तोड़ के ही खाना है तो खा लो चुपचाप। और मैं इसी तरह कहती हूँ कि टूट गई कोई चीज़ में कहती हूँ तोड़ के ही खानी है तो चुपचाप खा लो ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना मेरे नाश्ता वगैरह हो गया था, और रेहाना जो है ना वो दस्तरखान यहाँ बिछाने जा रही थी फिर, और मैं अब अपने लिए पराठा बना रही थी। इन ये लोग कहते हैं कि अपने लिए आप इतना प्यारा सा पराठा बनाती हैं और हमें जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कर देती हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। इन लोग को लगता है कि मैं अपने लिए बहुत अच्छा सा बनाती हूँ, इन लोग के लिए इस तरह ही सही, बल्कि मैं अपने लिए भी वैसे ही बनाती हूँ जिस तरह से इनके लिए। वो अलग बात है कि मेरा ज़रा थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है ठीक है। अच्छा जी ये मेरे बहन भाई ऐसे ही है, मतलब इसी तरह बोलते रहते हैं, डोंट माइंड ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने चने और जो है ना साथ में आलू की भुजिया खाऊंगी। और अब मेरी जो है ना वो पापा के लिए गए थे मेरी बुक्स लेने, और बुक्स भी मिल गई थी। अयान ने कहा बुक्स भी दिखाएं, और बच्चों को बड़ा ही शौक होता है। आप ही दिखाना अपनी बुक कैसी है, ये कैसी है, ये कितनी मोटी है। अच्छा ये मोटी पतली क्यों नहीं देखते, ये देखते आपकी पतली बुक है, हमारी तो इतनी मोटी वाली है। आपको तो आसान हो गई, वर्डिंग नहीं देखते, अंदर देखो भी तो सही कितना बारीक बारीक लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप लगा कर देखना पड़ेगा। सो मेरी जियोग्राफी की बुक तो इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, मैं देख के जो है ना वो कल इसको देख रही थी, मेरे देख के सर चकरा गया, और मैंने कहा बस इसीलिए मेरी मेंटल हालत ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है। मैंने जो है ना उठा के रख दी, मैंने कहा मुझसे जो नहीं पढ़ने हो रहा, दिमाग ख़राब हो जाएगा बंदे का इस जियोग्राफी को देख के। और साथ ही साथ यहाँ पे इतने सारे रिहाना ने हैंगर फैला के रखे हुए थे, कपड़े जो है ना वो इस रिहाना ने तय किए, ये मैंने नहीं खराब किए हुए हुए थे पहले से। कमेंट करके बता देंगे सब हुए हुए थे पहले से, जैसे मैंने कैमरा खोले। अच्छा ना मैंने नहीं किए, अयान सर्दियां नहीं आई अभी, जो जैकेट्स और आप ट्राउजर्स निकाल रहे हैं, सर्दियां आ गई हैं पाकिस्तान में, सर्दियां आ गई हैं, ये देखें ये ड्रेस निकाल के पहनने वाला है। और जी बस यहाँ पे अयान जो है ना वो आज अपनी कैबिनेट खोल के बैठ गया था कि मैं जो है ना अपने सारे ड्रेसेस सीधे करके रखूँगा, और इसी वजह से आप लोग घर की हालत देख सकते हैं फिलहाल क्या हो रही है। रेहाना यहाँ पे कपड़े तय करके बता रही थी, मैंने कहा बताओ तुम कपड़े ठीक भी तय करती हो या नहीं, ये वाकई ठीक नहीं तय करती है, बस ऐसे ही जो है ना करती रहती है। मैंने कहा बस करके दिखाओ सबको, करके दिखाओ किस तरह होते हैं। और अयान ने जो है ना वो मोटे कपड़े निकाले, मैं ये पहनूंगा, मम्मा ने कहा रख दो अब अभी सर्दियाँ नहीं आई, कहते नहीं मैंने यही पहनी है ट्राउज़र और मोटी वाली जैकेट साथ में ऊपर, ठीक है। मम्मा ने कहा अभी सर्दियाँ आई नहीं है और ये निकाल के बैठ गया, नहीं मैं यही पहनूंगा, फिर वापस रखवाई। और यहाँ पर जो है ना मेरी खाला की बेटी खेल रही थी। सो आई होप आपको छोटा सा व्लॉग, बहुत छोटा नहीं था लेकिन पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।